कितने हाँ, जो हथियार के साथ में जो अपना आवंटित जो जितनी गोलियां रहती है वो कितने है? कितने कारतूस गोलियों की संख्या कितनी कितनी राउंड है तकरीबन 47 के साथ 30 गोली उसमें ये होता है आवंटित होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है। बुधवार सुबह से ही झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश उर्फ ईडी के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस दौरान ईडी को हरमू स्थित शैलोदय आवास से 2 AK-47 बरामद हुआ। दोनों AK-47 एक अलमारी में रखा हुआ था, साथ ही 60 कारतूस भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि बरामद दोनों AK-47 रांची जिला बल के जवानों का है। इसकी जांच जारी है। छापेमारी से एक दिन पहले ही प्रेम प्रकाश रांची में देखे गए थे। 25 मई को भी ईडी की टीम ने इस आवास पर छापेमारी की थी। बता दें कि जिस बिल्डिंग में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है वो यूके झा नाम के शख्स की है, जिसमें प्रेम प्रकाश रेंट पर रहते हैं। ये अरगोड़ा चौक के पास वसुंधरा अपार्टमेंट के 8वें तल पर पहुंची। यहां प्रेम प्रकाश के दफ्तर में छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा ओल्ड एजी कॉलोनी स्थित हॉली एंजल स्कूल भी ईडी की रडार पर है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा ईडी प्रेम के अशोक नगर स्थित बंद पड़े ऑफिस में छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर ईडी हॉली एंजल स्कूल भी पहुंची है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध खनन से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी की जा रही है। माना जा रहा है मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर यह छापामारी की जा रही है। जवान तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हमको पहले सूचना मिला था, हमने उसे वो जवान किया यहाँ पर बॉडीगार्ड थे। नहीं भाई, हमको नहीं जानकारी है, हमारे स्तर से पोस्टिंग नहीं है या उसका क्या है, तो जवान से मिलने के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन हाँ, लेकिन हमको जो पता चला, हमने आकर के जो है मेजर साहब के साथ में आए और ये हमारा अपना सुरक्षा कर्मी का जवान है, रांची ये जिला बल का जवान, मतलब ये है है। ये अपनी प्रक्रिया पूरी करके हम लोगों को सुपुर्द कर। सर किस स्थिति में है अभी जो हथियार मिला चालू हालत में है, क्या है कारतूस मिलने की बात की? हाँ, जो हथियार के साथ में जो अपना आवंटित जो जितनी गोलियां रहती है वो कितने कितने कारतूस गोलियों की संख्या कितनी राउंड है तकरीबन 47 के साथ 30 गोली उसमें ये होता है आवंटित होता है। तो हाँ हाँ, गार्ड का 247 गोली हो गया था। नहीं नहीं, उसकी जानकारी हमें ये नहीं है कि कौन किस सुरक्षा कर्मी का क्या है। बस हमें है कि ये हमारा रांची जिला बल का सुरक्षा कर्मी का है। सर अगर कानून की बात करें तो जवानों को ऐसे रख के जा सकते हैं कोई? उसका डिपार्टमेंटल इलेक्शन वो तो अलग चीज हो गया ना, हमारे स्तर से ऊपर का वो तो वरीय पदाधिकारी के। नहीं, आप ये बता दीजिए कि क्या इस तरह से 47 प्राइवेट घर में ऐसे रख के गार्ड और गायब हो सकते हैं बिना मालिक के? उसका जवाब देखिए, ये चीज अरे आपसे कानूनी पहलू नहीं, कानूनी पहलू तो सर नहीं है, आप भी समझ रहे हैं कानूनी पहलू तो सही नहीं सर। एक 47 में 30 मतलब 2 47 से 60 करते हैं। ये रांची जिला से आवंटित किया गया है इन लोगों को, तो ये गार्ड का है और ये झारखंड पुलिस के जवान है। किन्हें मिले थे, किन्हें लौट हुए थे? नहीं नहीं नहीं, आपके क्या कार्रवाई होगी ऐसे मामले? पहले मुझे वहाँ से सुपुर्द किया जाएगा, ये जब पूरी प्रक्रिया के बीच में नहीं कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ईडी के द्वारा बताया गया कि पूरी प्रक्रिया करने के बाद मेरे थाने को हैंडओवर किया जाएगा, और जब हैंडओवर करने के बाद जब हम ये रिपोर्ट हम वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तो सर आपने जब्त कर लिया है क्या? नहीं अभी तो उनके पट अभी उनके पास है। और बाकी किन दोनों लोगों को मिला है, विनोद कुमार थाना, किन दो लोगों को ये आवंटित किया गया था? नहीं ये मुझे अभी जानकारी, ये प्रेम प्रकाश के थे बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड ये मुझे नहीं पता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।